हे एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ना, ये एक नॉर्मल रिव्यू या ट्रिक एंड टिप्स वीडियो नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल पेटीएम का एक नया केवाईसी जो फ्रॉड चल रहा है ना, वो फ्रॉड है क्या एंड आप उससे कैसे बच सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हे एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू शटर क्लोज्ड। मैं हूं पुरू एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेटीएम का केवाईसी फ्रॉड है ना, ये एक्चुअली में है क्या। तो पेटीएम आप लोगों को पता है कि क्या है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। पेटीएम में जब आपको यूपीआई पेमेंट्स करनी होती है तो उससे पहले आपको केवाईसी करवानी होती है, यानी कि अपना आधार लिंक करवाना होता है पेटीएम के साथ। तो अभी जो स्कैम है ना, इसमें पता है क्या हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है कि उनका पेटीएम चलना बंद हो रहा है, पेटीएम से पेमेंट्स नहीं हो रही, बट कई लोगों का पेटीएम से पेमेंट्स हो रही है यहाँ पे भी। पर फिर भी उन लोगों को सबको मैसेज आ रहा है कि आपकी केवाईसी की दिक्कत है, आपकी केवाईसी एक बारी वॉइड हो चुकी है, आपको दोबारा केवाईसी करवानी पड़ेगी, उसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप इस नंबर पर कॉल करो, ये नंबर आपको आगे बता देगा कि आपको अपने पेटीएम के अंदर कौन सी सेटिंग्स चेंज करनी है ताकि आपकी केवाईसी हो जाए। एंड अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर को चाहे आप ना भी कॉल करो, इस नंबर से आपको कॉल आ जाएगा कि आपके पेटीएम में दिक्कत है। अब ये जो बंदे हैं ना, आगे से आपको अच्छे से समझा देंगे ना, अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे कि आपके पेटीएम में दिक्कत है। पूरी की पूरी टेक्निकल टर्म्स लेके आपको, चाहे जैसा मर्जी बंदा हो, समझदार बंदा, उसको कन्फ्यूज़ कर देंगे कि आपके कोई दिक्कत है पेटीएम में। और ये कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के आपसे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, और ये एप्लीकेशन भी ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो कि क्या हो रहा है। क्योंकि प्ले स्टोर पे तो सब ऐप्स जो होती हैं वो सही होती हैं, कोई ऐसा नुकसान वाला काम नहीं होता। तो प्ले स्टोर से आपसे एप्लीकेशन करवाते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं 1 रुपये की पेमेंट करके देखो आपकी पेमेंट अब चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखना शुरू हो गए कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, और वो बंदा आपको फिर यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये पैसे रिफ़ंड है, फीस है, ये पैसे आपको रिफ़ंड आ जाएंगे, कुछ भी ऐसे आपको करके मैनिपुलेट कर लेगा। बट इस मोमेंट पे आपके साथ स्कैम हो चुका हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि वो जो नंबर है ना, किसी स्कैम एजेंट का नंबर है, वो आपको अच्छे से मैनिपुलेट करके जो कहता है ना, वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है। वो एप्लीकेशन होती है कोई स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। मोस्ट कॉमनली ये लोग यूज़ करते हैं टीम व्यूअर प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाता है। इसके साथ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो किसी और के साथ। तो ये लोग आपको अपना कोड देते हैं, आपसे कोड लेते हैं, जिसके साथ आपकी स्क्रीन इन लोगों के साथ शेयर हो जाती है। उसके बाद आप जब 1 रुपये की पेमेंट करते हो ना, तो आप जो भी पिन एंटर करते, जो भी पासकोड्स एंटर करते हो, वो क्लियरली इन लोगों को दिख जाते हैं, एंड वो ये लोग कॉपी कर लेते हैं। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपसे, आपके अकाउंट से पैसे निकलवाते रहते हैं, पेमेंट्स करते रहते हैं। तो अब इससे बचना बहुत सिंपल है। आपको कोई भी ऐसा एसएमएस आता है ना जिस पे ऐसा कुछ हो, उस मैसेज को सिंपली इग्नोर करो, मत डील करो ऐसे नंबर के साथ। एंड अगर ये लोग आपको कॉल करते हैं ना, तो आप डायरेक्टली इनकी कंप्लेंट कर दो पुलिस को जाके कि आपके साथ ऐसे स्कैम करने की कोशिश करें। एंड कभी भी, चाहे पेटीएम हो या कोई भी और एप्लीकेशन हो, आपको अगर कोई भी बंदा फ़ोन करके कह रहा है ना कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको वो नहीं करना। गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन होती हैं सेफ़ होती हैं, बट उनका यूज़ कैसे होता है वो डिपेंड करता है आपके साथ, आप किसके साथ डील कर रहे हो। तो कभी भी आपको कोई भी बंदा फ़ोन करके कहता है ना कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मत करना। सो बी सेफ़। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक। एंड अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स से दूर रहो या कोई टेक्निकल रिव्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।